एनएचएमएमआई अस्पताल के डॉक्टरों ने एक बार फिर से इतिहास रचा। डॉक्टरों ने 61 वर्षीय एसोफेगल कैंसर सर्वाइवर को ट्रेचे ओसोवेगल फिस्टूला से बचाया है। एएसडी ऑक्लूडर डिवाइस क्लोजर की मदद से मरीज का इलाज किया गया और मरीज को इलाज के 4 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। डॉक्टरों ने बताया कि कैंसर मरीज का इलाज अनोखे तरीके से किया है, जिसमें एएसडी ऑक्लूडर डिवाइस तकनीक का उपयोग करके फिस्टूला को बंद कर दिया गया। ये एक दुर्लभ मामला था और संभवतः मध्य प्रदेश में पहला केस था जहां एएसडी ऑक्लूडर डिवाइस एक ट्रैकोओसोफेगल फिस्टूला के इलाज के लिए इस्तेमाल किया गया। कुछ कुछ जो प्रोसीजर पहले कर चुके हैं इंडिया के अलग अलग जगह पे, और हमने एक जेंटलमैन से भी बात किया जो कि इसी प्रोसीजर हुआ है लास्ट 3 साल से फॉलोअप में है, तो वे डिस्कस इट प्लान इट एंड उसको 1 महीने पहले इसको हम किए थे, जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट प्रोसीजर किया था, एंडोस्कोपी से गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और ब्रोंकोस्कोपी से जो पल्मोनोलॉजिस्ट उसको हेल्प किए, गाइड किए, और सक्सेसफुली वो प्रोसीजर हुआ। और प्रोसीजर होने के बाद पेशेंट को 3-4 दिन के बाद घर छोड़ दिया गया, उसका ग्रेजुअली उनको डाइट बढ़ा के अभी 1 महीना हो गया है, पेशेंट इज़ डूइंग फाइन। कल ही वो फॉलोअप में आए थे, ब्रोंकोस्कोपी किए हैं, ओवरऑल डिवाइस का पोजीशन काफ़ी अच्छा है, अपना खाना पाना खा रहे हैं और इंडिपेंडेंटली अपना लाइफ जी रहे हैं। बिकॉज पेशेंट बहुत अनस्टेबल थे, वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट थी, तो हम लोगों को उनको कम से कम डैमेज में उनको ठीक करना था, इसलिए हम लोगों ने एक एएसडी डिवाइस जो होता है उसके थ्रू इस फिस्टुला को एंडोस्कोपी करके और ब्रोंकोस्कोपी करके क्लोज किया। उसके बाद पेशेंट को बहुत अच्छा रिजल्ट है, आज 1 महीने से ऊपर हो गए हैं और पेशेंट का निमोनिया भी रिजॉल्व हो गया, पेशेंट इंप्रूव किया है। ये जो प्रोसीजर है बहुत ही रेयर प्रोसीजर है, बिकॉज पेशेंट बहुत सीरियस था, इसलिए हम लोगों ने इस प्रोसीजर पे गए और इस प्रोसीजर से पेशेंट को काफ़ी फायदा मिला।